नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बांदा के 14 बाल एवं बंधुआ मजदूर हुए आजाद। जनपद के ग्राम बाघा नंगला पुरवा के 14 बाल एवं बंधुआ मजदूरों को देहू रोड हवेली पुणे महाराष्ट्र से दल सिंगार एवं सीपी औदिच्य के नेतृत्व में असंगठित मजदूर मोर्चा ने 18 मार्च 2021 को मुक्त कराया। बंधुआ मजदूरों का असंगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष दल सिंगार को बंधुआ मजदूर होने सूचना दी। प्राप्त सूचना के बाद मजदूरों की पूरी जानकारी हेतु असंगठित मजदूर मोर्चा के साथियों ने केस की छानबीन की, जिसमें पाया गया कि सच में 14 बाल एवं बंधुआ मजदूरों से जबरिया मजदूर कराई जा रही है। उसके बाद मजदूरों को मुक्त कराने हेतु दल सिंगार ने जिला कलेक्टर पुणे, एसडीओ हवेली, एनएचआरसी दिल्ली, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी बांदा को पत्र लिखा और साथ ही पुणे प्रशासन से पत्राचार करने के लिए भारत सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर सीपी औदिच्य को भी पत्र भेजा, जिसके तुरंत बाद औदिच्य ने पुणे प्रशासन से लगातार संपर्क करके दल सिंगार के साथ मिलकर सभी मजदूरों को दिनांक 18 तथा 19 मार्च 2021 को मुक्त कराया। उसके बाद पुणे प्रशासन ने सभी को मुक्ति प्रमाण पत्र देकर 3 सुरक्षा कर्मियों के साथ निजी वाहन से बांदा भिजवाया। संगठन के उपाध्यक्ष प्रमोद आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। चित्रकूट धाम मंडल ब्यूरो, बालकृष्ण पांडे की रिपोर्ट। फिर इस चीज में मैंने फिर वहाँ के डीसी को किया, चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद क्योंकि एसडीओ को भी एसडीएम बोलते हैं वहाँ, उनको सबको चिट्ठी लिखे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी चिट्ठी लिखा, यहाँ बांदा को भी दिया, मैं इनको मुक्त कराया है। और चिट्ठी जाने के बाद बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 एक्ट कहता है कि विद इन 24 आवर्स में इनको रेस्क्यू करा लेना, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वह लेट हुआ। वहाँ फिर हमारे थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो हमारे एक साथी हैं सीपी औदिच्य जी, पूर्व लेबर कमिश्नर, पूर्व लेबर कमिश्नर भारत सरकार, तो उनको मैंने कहा कि भैया इसमें उनसे आप बात कीजिए, क्योंकि आप लोकल के हैं। तो उन्होंने सीपी औदिच्य ने इसमें तत्परता से रात को जाग जाग के 12-1 बजे तक सारा दिन उन्होंने दिया, क्योंकि आप सामने भेज देते हैं, उनको रिलीज को फार्मा नहीं पता था कि हम कैसे करें। एसडीएम और सीपी औदिच्य जी आपस में बात कर रहे हैं, इससे बात ये सब करके सीपी औदिच्य ने वहाँ पे पूरी तरह से लोकल लेवल पर मदद किया। और यहाँ पे हमारे कुछ लोकल टीम ने भी असंगठित मजदूर मोर्चा की मदद किया, उसके प्रयास से कराएगा। उस दौरान क्या हुआ कि मुझे भी फोन आने लगे, मजदूर को भी कहा गया कि 1 लाख रुपया ले लो, केस वापस करो। 3 मजदूर हो, कौन लोग काम करवाते थे? मालिक। फिर क्या हुआ? कौन छुड़ा के लाया तुम लोगों को? पुलिस छुड़ा के लाई। कितने लोग मजदूरी करते थे वहां बंधुआ? सब लोग कितने लोग हैं? 14 लोग।